जी अस्सलाम. क्या हाल है आपका थन्य? मैं अलहमद ठीक ठाक हूँ आमना पिछली हमारी मुलाकात पे आप आँख की दूसरी आँख की सर्जरी कराने जा रही थी माशाल्लाह आपने करा ली ठीक ठाक जी. इस बार आपको वो वायलिन बजे और पीछे वो और, और क्या गिटार और फुलझड़िया और वो सब कुछ हुआ नहीं आंख की तार किसी और कोने में जा रही ऐसा ही लगता था एक तो ये है कि आ, मेरे ख्याल था कि ऐसा ही होगा हाँ। लेकिन मुझे बाद में मुझे जब सब कुछ हो गया था आंख मेरी पत्थर बन चुकी थी मैं उनको ये कहती हूँ डेढ़ घंटा ड्रॉप डालते हैं टॉपिकल एनेस्थीसिया तो मैं उनको पूछती हूँ कि, कि मेरी आंख पत्थर बन गई कि नहीं हाँ। तो फिर वो कहते हैं कि डायलेट हो रही है हो रही है नम हो गया खैर सब कुछ फिर भी मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मुझे सेंसेशन है आंख आईबॉल में

वो पहले क्या करते हैं कि किसी, पिछली बार भी आपने कहा था निकलने का लेंस और डलने का एहसास हुआ था वो अच्छा एहसास था ऐसे जैसे स्लाइड स्लाइड इन एंड आउट ना इस दफा मुझे एहसास से कमतरी हुआ मेरी <laughs> आंख को एहसास से कमतरी हुआ इट वाज नॉट पेनफुल बाय एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन इट वाज नॉट इवन अनकंफर्टेबल बट आई वाज अवेयर ऑफ एवरीथिंग सो यू नो लाइक व्हेन दे पुट अ कपड़ा ऑन योर फेस एंड देन दे कट आउट द एरिया ऑफ द आई प्लास्टिक निकाल के एंड देन दे टेप इट एंड यू कैन फील योर आई आई कुड फील एवरीथिंग

पता नहीं पावरफुल टूल है या पागल दिमाग है बट वो है ना वो वो एहसास जो आप उस वक्त यू वंट सपोज टू हैव दोस इमोशनल फीलिंग्स और व्हाटएवर या या एक्सपीरियंस हां बट योर योर माइंड मेड यू फील एंड अवेयर ऑफ समवेयर इन द मिडिल ऑफ द सर्जरी आई फेल्ट आई वाज गेटिंग अ क्रैम्प इन माय बैक फिर मैंने कहा शुड आई टेल हर दैट माय बैक इज क्रैम्पिंग एंड इफ शी कैन स्टॉप एंड आई वाज लाइक नो

ठीक है ये बात ही भूल गई है कोई बात नहीं

ठीक हाँ. है तो एनीवे anyway, बहुत से लोगों ने पूछा कि यू नो इसका वो पुरानी थियोरी है कि जी कैटर uh, मोतिया सख्त हो जाए फिर होती है सर्जरी ये शुरू में नहीं ऐसी कोई बात नहीं है एज यू फील दैट योर विजन इज इम्पेयर आप लें उसे कोई फर्क नहीं पड़ता जो लोग माइपिक है मेरी तरह उनके लिए बेहतर है कि वो लेंस डल जाता है और आपकी विजन क्लियर हो जाती है hmm. लेकिन जो मेरी तरह जिनकी नज़दीक की भी कमजोर है और दूर की भी कमजोर है उनके लिए प्रॉब्लम शायद हो बिकॉज जब मैं कॉन्टेक्ट लेंजेस लगाती थी दूर की तो ठीक हो जाती है आई कुड इवन सी माई फोन और um, I, मेरे सर में हंसुन दर्द होती थी और दिल चाहता था, था घर आके फटाफट लेंजेस निकालो ताकि यू नो आंखें क्लियर हो वट माई डॉक्टर सो शी शीज लेफ्ट माइनस वन इन आई and this one is 2020. So my eyes are trained now that I can read as well because reading ke liye they use this eye and I can see us ke liye this 2020. Oh, that's great. Ha. Mashallah. That's great. Reading glasses unhone diye hai mujhe to read fine print ke train na pade bilkul bhi. But otherwise, my eyes are now equipped to for long and short Mashallah distance. Yeah. Mashallah. Medical science, alhamdulillah. Alhamdulillah, Allah, medical science. Kya baat hai yaar, nah. medical science ki.

एक टॉपिक है इवन दो स्ट्रिक्टली हमसे रिलेटेड नहीं है लेकिन क्योंकि मैं और आमना दोनों समझते हैं कि हम सिविल सोसाइटी का हिस्सा हैं और हमारी कोई एज सिटीजन सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और क्योंकि अलहमदिल्ला हम एक प्लेटफॉर्म चला रहे हैं जहाँ पे हमारी आवाज़ पहुँच सकती है कुछ लोगों तक तो हमने सोचा कि हम बात करना चाहेंगे कराची ईट के बारे में जिसकी बहुत सारी वीडियोज़ वायरल हुई हैं और हम उसके बारे में ना भी बात करते लेकिन क्योंकि उसका एक रेलेवेंस हमारे साथ इस तरह से निकली कि कैफी खलीद जो थे वो परफॉर्म कर रहे थे वहां पे और कुछ ये खबरें जी ही वाज हिट उनके साथ वहां पे कोई उनको मैन हैंडल किया गया तो उन्होंने भी स्टेटमेंट अपनी एक रिलीज की तो एक लार्जर डिस्कशन इससे ये भी निकलती है यार के जो हमारे आर्टिस्ट हैं पब्लिक स्पेसिस में पब्लिक करीना में या पब्लिक उनकी ऑब्वियसली उनकी तो इट्स इट्स नेचर पार्ट ऑफ

नंबर टू आमना जी बात करना चाहेंगे आपका जो इंटरव्यू अभी आया शहरोजारी और आ, सारा यूसुफ के, के साथ माशाल्लाह वो बहुत आ, उसकी वायरलिटी है और बड़ा लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं सारा और शहरोज को तो आई थिंक यूजुअली हम अपने इंटरव्यूज को चीजों को नहीं बात करते बट दिस इज समथिंग इनकरेजिंग एंड इंस्पिरेशनल तो दो सेंड आपसे मजीद लेना चाहेंगे आपका एक्सपीरियंस कैसा था सारा और सारोज से बात करने का और किस तरह ट्रेलर ऑफ पठान और पठान का ट्रेलर डिस्कस करना और कोई इसका वो नहीं है ना आप इसकी गहराई में जाए सोच की बस जो असल बात है वो ये मैं और आमना दोनों शाहरुख खान के बहुत बड़े फैंस हैं hmm. बस इसके बाद मेरे नहीं। नहीं। हाँ तो इसलिए हमें कि कि शाहरुख खान पांच साल के बाद उनकी फिल्म आ रही है और पिछले चार पांच सालों में अलहमदुल्ला हमारा प्लेटफॉर्म जो है वो काफी तरक्की कर गया है तो अगर पहले कोई आ जाती शाहरुख की फिल्म तो हम बात कर आपको लास्ट फिल्म कौन सी थी शाहरुख मेरे ख्याल में फैन थी जीरो If I I am not mistaken, zero zero after fan. fan, fan fan think zero का, बहुत उनको शदीद गम हुआ उसकी का। तो आ, हमें लगा कि हम पठान के बारे में बात करते हैं ट्रेलर के बारे में और यही है कहीं नहीं जा रहे आपको मिलते हैं जी आप ना किस टॉपिक से आप शुरुआत करना चाहेंगे जिस आपने तरतीब में शुरू जिस तरतीब में हाँ। किया उसी में जाना आप आम, कराची ईट वीडियोस आई बहुत सारी आपने भी देखी होंगी सोशल मीडिया के ऊपर क्या कहना आप आप ना इस बारे में आप? तो मैं इसके बारे में क्या कहूँ हमारे मतलब लोग जो हैं वो पागल अच्छा पहली बात तो थो थोड़ी हिस्ट्री है कि कराची ईट एक फेस्टिवल है जी जो कि कई सालों से हो रहा है और अब हर शहर में कई शहरों में होता है लाहौर ईट भी होता है इस्लामाबाद ईट भी होता है और इसका मकसद ये है कि जितने रेस्टोरेंट्स हैं अपकमिंग मतलब है कि होम रेस्टोरेंट्स एंड प्रोफेशनल रेस्टोरेंट्स वो अपना एक खास मेन्यू बनाते हैं फॉर द फेस्टिवल उसके स्टॉल लगाते हैं लोग जाते हैं एक अच्छा फेस्टिव माहौल होता है hmm. मौसम भी अच्छा होता है फैमिलीज जाती हैं इंजॉय करती हैं सो टू गिव द सिटी समथिंग टू सेलिब्रेट एंड एंजॉय से बेसिक अब इस दफ़ा सुना कि बहुत मिसमैनेज था कि लोगों ने कहा कि जी वहाँ पे इतनी को हल्लड़बाजी हो रही थी एक स्कूल ऑफ था ये है कि जी लड़कों को नहीं सिंगल लड़कों को नहीं जान देते दूसरा ये कि जब सिंगल लड़कों को जाने दिया तो वहाँ अंदर हरासमेंट भी हुई है और यू you नो know, लड़ाइयाँ भी हुई हैं एंड वॉज मिसमैनेज पार्किंग के भी प्रॉब्लम्स थे सो ऑबियसली ऑर्गेनाइजेशनल को इतना सक्सेस नहीं था hmm. इस दफा का hmm. uh, मेरे सुनने में यही आया है मैंने जाना चाह जा रही थी मैं आई वॉन्ट टू गो बट बिकॉज ऑफ माई सर्जरी आई अवॉइडेड बिकॉज अवॉइड इट कैन गेट वेरी डस्टी इट कैन गेट वेरी डस्टी सो आई आई गो बट सॉ ऑफ सेलिब्रिटीज एंड फ्रेंकली स्पीकिंग जो इंस्टाग्राम पर कवरेज हो रही थी उससे बड़ा अच्छा लग रहा था यू नो कई स्टॉल थे जो बड़े मजे के लग रहे थे वो हाइप नहीं थी जो पिछले कई सालों से बट देन दिस इज अ पोस्ट कोविड आई थिंक पहली दफा हो रहा है या लास्ट ईयर भी हुआ था

Of course, mismanagement हो जाती है। hmm. मैं as a matter of fact, मेरी नजर से अभी कुछ ही दिन पहले एक खबर गुजरी लंदन में और ये नो लेस न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा हुआ एक उसकी आ, कहानी आ, आर्टिकल है स्टोरी है सोलह दिसंबर की बात hmm. है सस्पेक्टेड क्रश एट लंडन कॉन्सर्ट वन डेड एंड टू क्रिटिकली इंजर्ड ये ऑटो में ब्रिक्सटन में ओटो अकेडमी में बहुत बड़ा म्यूजिकल मेन्यू है वहाँ पे तो म्यूज़िक आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे थे वो स्टैम्पीड हो गई बहुत ज़्यादा रश था क्राउड कंट्रोल नहीं हो सका पुलिस भी थी वहाँ पे बैटन चार्ज भी उन्होंने किया क्राउड को नहीं कंट्रोल कर सके तो ये कोई अनहोनी बात नहीं है कि पाकिस्तान में कोई इवेंट हो रहा था और वहाँ पर जो है वो मिसमैनेजमेंट हो गई और वहाँ पर हुल्लड़बाजी हो गई और गेट क्रैशिंग हो गई

Having said that, having said that, कराची को completely absolve नहीं किया जा सकता क्योंकि आप causes देखें। hmm. एक तो है ना कि यार कि के नंबर्स इतने ज़्यादा हो हो गए कि आपसे नहीं पा रहा। ने भी अपनी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज किया है तो मैं अभी आपको पढ़ के भी सुना दूंगा लेकिन आप जो वीडियोस देख रहे हैं हमने जो देखी उसमें यह था कि लोग दीवारे दीवारे में नहीं तंबू लगे हुए अब तंबू टाप के लोग अंदर आ रहे हैं तो आई वु से के यार की ये कोई बड़ी प्रॉपर मैनेजमेंट थी कि जिसको क्राउड की वजह से हैंडल क्राउड की वजह से हैंडल नहीं हो पाई एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कराची ईट ने जो मैं बात कर रहा हूँ उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में ये लिखा है ये मेंशन किया है कि जो फ्राइडे और सैटरडे के उनके एब्सुलट uh, नंबर था अटेंडीस uh, का संडे का एक्चुअली कम था अच्छा बट क्योंकि संडे को अनरूली बिहेवियर ज्यादा था और ये स्टैग जो थे जिन्होंने गेट कैच कर लिया इस वजह से उनको मैनेजमेंट uh, uh, के इश्यूज हुए तो इट्स नॉट इवन लाइक यार यार लोग इतने ज़्यादा हो गए एकदम कराची पे मैनेज नहीं हो पाए और उनके साथ कंट्रोल you know, एक सर to... डिजास्टर नहीं था हाँ। ना ही ये नेचुरल डिजास्टर था was, पे भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है जो हमारी सिविक सोसाइटी के जो हिस्सा हैं इंसान इंसान जो हैं जब उनको एक कम्युनिटी के तौर पे तरीके को एग्जिस्ट करना नहीं आएगा बिहेव करना नहीं आएगा तो मैनेजमेंट भी कुछ नहीं कर सकेगी ये हुल्लडबाजी होगी अब उसमें है कि मैं, on अमना जी मैं जी। जैसे कह रहा था तस्वीर का दूसरा रुख है जी अब ये जो राउडी uh, बिहेवियर होता है या पीपल आपने देखा फुटबॉल मैचेस में क्या क्या होता, होता है यूरोप में और हुआ है ये कोई मतलब डॉक्यूमेंटेड चीजें हैं मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट का भी बता दिया

दैट देर विल बी मोर मिसबिहेवियर और कतर में नहीं था एल्कोहल अलाउड स्टेडियम में मिसबिहेवियर नहीं हुआ Actually, हुआ <laughs> नहीं अल्कोहल नहीं, की बात वाज नॉट एज ओपनली अवेलेबल ट्रक के ट्रक, ट्रक बियर के तो नहीं मिल रहे थे ना कुछ हो सकता है बात कर बट मैं आपको एक बात यार बड़ी तेज है आप बात कहा ले जाती है आपने बात ना आप क्या आपने बात ना आप क्या करेंट नॉटर

वायलेंस की और बदतमीजी मगर हमने देखा कुछ को भी एक दूसरे के अंदर क्या था मुझे नहीं पता क्या था मैं तो ही नहीं वहाँ पे बट बात ये इसको किस तरह से कंट्रोल करें ह्यूमन बिहेवियर की जहां तक बात है मर्द हो या खातन हो लड़कों पे तो चलो ठीक है मैं तो इस हक में हूँ

राघव आया ने, तो अब हम लोंडे लपाड़े थे तो हम सारे ने, ने, चले गए ऑल गाइस और, हाँ। और बसों पे बैठ गए पता नहीं कौन सा वेन्यू था गए डीएचए लम्स से कोई हम बहुत कोई दूर गए अब वहां पे हम तो लम्स के मम्मी डैडी मम्मी डैडी इतने भी नहीं लगे थे चले गए थोड़े से थोड़े से बेहतर कंपैरेटिवली बेहतर तमीजदार बच्चे थे लेकिन उधर हुल्लड़बाड़ी मच गई

बट इज नॉट एवरी कॉन्सर्ट इज नॉटिव अगर ये कॉन्सर्ट है तो वहां कोई ना कोई होगा hmm. और कॉन्सर्ट हो रहा है तो कहीं ना कहीं लड़कियों को छेड़ा जाएगा इट्स नॉट अ गिवन दोज आर हेडलाइंस दैट आर मेड एक दो कॉन्सर्ट साल में हो गए ऐसा नहीं है कि हर कॉन्सर्ट हमारे तो हर जहां भी आपकी क्राउड ऐसी होगी डिप्राइव्ड हवा में ना डिप्राइव्ड नो बेहुदा हवा में यार डिप्राइव्ड हवा में इसका है? एक भी निकलता है है ठीक है आप एक साल में आपने जैसे कराची की बात की बात मैं नहीं करती यही लोग हैं डिप्राइव जब बाहर जाते हैं तो ऐसे बिहेव नहीं करते ये हैं। वो नहीं है जो बाहर पहुंच सकते हैं आप इस बात को समझे ओ भाई बाहर वाले यहाँ पे जो कचरा फेंकेगा ना अपनी गाड़ी में से अपने फॉर्च्यूनर में से मैकडॉनल्ड्स का रैपर फेंकेगा वो दुबई जाके नहीं फेंकेगा फेंकेगा नहीं गा। फेंके गा। हाँ। लेकिन जो गेट क्रैश कर रहा है वो 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 नहीं है है जो जो से मैकडॉनल्ड्स का रैपर बाहर जो गेट क्रैश कर रहा है ना वो भी जब बाहर मजदूरी करेगा ना जाके हाँ। और करते हैं तो नहीं होता उनको हाँ। वो उनको पता है कि हमने नहीं बदतमीजी हाँ। करनी क्यों क्योंकि वो करेगा उधर से शुरता उसको इंटरसेप्ट करेगा पकड़ेगा जेल में डालेगा वो नजर नहीं आएगा दोबारा ठीक तो जहाँ लॉ एंड ऑर्डर हो वहाँ लोग नहीं बिहेव करते ऐसे ऐसे माशरे में ये पढ़े लिखे लोगों को कहीं भी भेज दो मगर वो भी ऐसा ऐसा उतर जाता है अकॉर्डिंग टू विलियम गोल्डिंग प्लीज रीड लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज हाँ मैं बहरहाल ये कहना चाहूंगा जैसे मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ इस तस्वीर के दो रुख हैं एक रुख, है मैं 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 रुख ये हाँ। दूसरा इंसान लोगों को भी लड़कों को भी जो लोग होते उनको भी इंसान का बच्चा बनना चाहिए उनको पहले बनना चाहिए दोनों चीजें दोनों हाँ। चीजें लेकिन दोनों चीजें अनहर्ड ऑफ नहीं है इट्स नॉट वीज आर नॉट स्पेसिफिक टू द पाकिस्तानी सोसाइटी

Exactly. अगर आप ना कि जो कॉन्सर्ट पे लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्राउड है वो नाच रहा है गार है आपस में हाँ. हो तो ठीक है वो एक हाइप का माहौल बना होता है 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 जैसे तो, क्लब्स में हो जाता मैंने सुन, मैंने सुना है, मैंने देखा ज़्यादा ज़्यादा ना यहाँ पे व्हाई वुड यू एक्सपेक्ट बदतमीजी और, और वाई यू एक्सपेक्ट hmm. पीपल टू एट अ फ़ूड फेस्टिवल व्हाई बट पापड़ में मिर्चें ज्यादा पड़ गई चाट में ज्यादा मिर्चें <laughs> पड़ गई तो उन्होंने गुस्सा आ गया ओ, ओ, मेरे चिप्स पे नहीं थी। दे हाँ, आर you know, हाँ, हाँ, हमेशा बात लड़कियों को देख के होती है अच्छे हाँ, हो जाते हैं लड़के उनकी लड़कियां किस बात पर लड़ी थी आपकी ये नहीं मुझे है। दो इधर लड़नी थी लड़कियों पता नहीं लड़ रही होंगी

कॉलेज के साथ जाते थे मगर वो भी लड़, लेडीज इंक्लोजर अलग हाँ, होता था हाँ, और लेडीज इंक्लोजर के आसपास जो जेंट्स इंक्लोजर होता था वो ऐसे चिपके होते थे उस ग्रिल से जैसे उन्होंने लेडीज नहीं देखी हाँ, कभी तो वो ही बात है कि यार लेडीज नहीं देखी इंक्लोज़र नहीं है और लेकिन बदतमीजी तब होती है ऑर्डर अकाउंटेबिलिटी नहीं है हाँ, मैं प्राइवेट इवेंट्स में चला जाऊँ अगर प्राइवेट कोई गैदरिंग मैं कहने लगे तो, मैं प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर होता नहीं, नहीं, मैं <laughs> प्राइवेट इस तरह का कोई चीज हो जिसमें sure, sure. कम लोग हो आपको पता हो उसमें आप जाने पब्लिक में बहुत अवॉइड करता मैं न्यू, इसी महीने में मैं आपको बोला न्यूज ईव पे और वो सारी चीजें चांद रात एंड ऑल ऑफ दैट I know a lot of of people get some sort of kick out of it. आज हम बाहर जाएंगे फैमिलीज ऑल्सो मैन वेमेन

Uh, they are you know they have set a really good standard this is how you behave there needs to be decorum there needs to be civilized between two people two people need to be civilized especially when there is a child involved so but and their their relationship was so cool oh Joe joy shiroski with sadaf zahra was actually spending a day at Saira's house with Sweet. that's so cool and I, I don't know whether we said this on record or off camera, but you know, credit goes to all three of them, even to Sadaf, for allowing that really hmm. healthy relationship to, to grow. If hmm. koi one parent, no parent, this is not poisoned, or it's not absorbed by foreign sponge. Hai. Toxic thoughts. Toxic raane raane. thoughts. Raale. तो ये है कि obviously यार it, it, it was beautiful absolutely बहुत अच्छी एग्जांपल जैसे मैं कह रहा था यार दोनों ने सेट की तीनों ने सेट की है और उनको बहुत उसके लिए क्रेडिट जाता है मैंने सायरा की वो बात सुनी जो अभी आप भी कह रही हैं कि जब आप के बीच में एक बच्चा इन्वॉल्व हो उन्होंने कहा चीज पर उन्होंने कहा एक चाइल्ड हाँ। पर्सन जब आपके बीच में एक बच्चा स्पेशली छोटी उम्र का बच्चा इन्वॉल्व हो दो तो लोगों के बीच में फिर आपके जो आपस के हैं वो बड़े पेटी रह जाते हैं प्रायोरिटी बन जाती है क्योंकि आपकी और ये बड़ी खूबसूरत एक सोच है अल्लाह करे कि आ, हर माँ हर बाप अपने बच्चों को लेके इसी तरह से सोचे और खुदा ना खास्ता अगर खास में पार्टनर्स में नहीं बन पाती शादी नहीं रह पाती और सेपरेशन या डिवोर्स तक बात आ जाती है तो यार फॉर गॉड सेक सेक फॉर योर चाइल्ड आप जो भी आपके आपसी ताल्लुकात या मामला हैं उनको साइड बनने मेंटेन मेंटेन परिस किसी ने बड़ा अच्छा मुझे डीएम किया मैंने लिखा ना in, in so किसी ने लिखा बिकॉज इन्फर्डेलिटी अगर होती है किसी एक बंदे की उस पर ओनर्स अगर आता है ऑन द मैन और दुमन और बोथ इट स्टिल नॉट द चाइल्ड फॉल्ट and the child should not suffer because of the parents' shortcomings. so even then, even if there's infidelity, for your child, hmm. unless the man is a bad father, directly, you know, circumstance where you need to protect your child from that human being. but but because you also have to set the right example hmm. for the child. okay, hmm. this is not, this is inexcusable but don't spoil the child's life because you're not, not just dealing with your husband, you're also dealing with the father of your child. Father of your child. so this unfortunately, ye jo equation ha, you cannot get yourself out of it. no, you will always remain a part of that equation. بالkul. so apni uh, as wife, <clears throat> ya as ex-wife, as ex-partner, still a, a silent partner. just relationship, a complete 100% freedom. unachee apni relationship determine karein.

यू नो साइकोलॉजिकली वो बच्ची अफेक्ट हुई है इस बात की वजह से सो ये हम देखते हैं हम ड्रामों में भी देखते हैं किस तरह से किरदारों के ऊपर अफेक्ट uh, होता है चीजों का किस तरह से उनकी uh, जिंदगी के बहुत सारे मामलात हैं

the mm -hmm. Artist, that you know, are you comfortable talking about this? And in this situation, uh, we're very lucky that they agreed to come on our talk platform about, yeah. and talk about it. And then they said that you know, I also encourage them that you need to get it out of the way because this line of questioning hogi so. This was their way of getting it out of the way that you have to address the elephant in the room, they were together, now the film is releasing, they are no longer together.

जो की आने वाली फिल्म का जिसका नाम है पठान जी पठान जो है जैसे हम हर फिल्म के क्रेडिट्स में बात करते हैं पठान जो है जी ये एक यश राज प्रोडक्शन है और, और उसका ये एक नया फैसेट है आर एफ स्पाई फिल्म हाँ स्पाई वर्ल्ड उन्होंने निकाला है वाई एफ का जो कि एक था टाइगर में सलमान खान को तो मैंने देखा है उनकी दोनों फिल्म दो देखी मैंने एक था जिंदा है टाइगर जिंदा और एक था टाइगर ये दो मैंने देखी हुई है

और इस फिल्म में की स्टार कास्ट में शामिल हैं जॉन एब्राहम दीपिका पदूकोन और एक एक्टर एक है जिनका नाम है शाहरुख खान जी अच्छा आपने अच्छा क्या तो कहूँ हाँ ठीक है है जब है उनके ऊपर शाहरुख आमना जी काफी अरसे के ऊपर बात हो रही है इसका टीजर निकला इसका दो गाने निकले इसके बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी हुई शाहरुख खान साहब के पोस्टर भी जलाए गए इंडिया में अभी पिछले हफ्ते रिसेंटली दीपिका को भी काफी बुरा भला कहा गया और ये और ये पिछले हफ्ते की काफी ब्रेकिंग न्यूज है जिसके ऊपर हमने बात नहीं की ये पोस्टर वो सबसे बड़ा हंगामा हुआ है जलाए गए प्रॉपर पथराव हुआ है सारा कुछ हुआ बड़े अरसे आ रही है इसको बैन करें और ये सारा कुछ बड़ा सीन चल रहा है इंडिया में Uh, तो आपकी फर्स्ट इंप्रेशन जब से टीजर आना शुरू हुआ क्या रहा है पठान को लेके? तो टीजर से मैं इतनी खुश नहीं थी Oh. मुझे सिर्फ ये था कि शाहरुख खान की फिल्म है, शाहरुख खान की फिल्म है तो देखनी तो जरूरी है लेकिन कि मुझे इतना टीज़र पसंद नहीं आया था दो रंग। दो रंग। <laughs> रंग। 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 पठान वो लग रहा था जैसे की जो एक प्रोडक्शन होती है बिग नो वो हैथिंग टीजर आया जब और मैंने देखा तो मुझे टीजर देख के ऐसा लगा कि ये तो जितनी फिल्मों की टोटे जोड़े में ये तो मैंने सब देखी नहीं है टोटे टोटे हाँ जितनी फिल्मों के टोटे जोड़े में ये तो मैंने देखी है लेकिन मुझे अच्छा लगा <laughs> ये ट्रेलर की बात कर रही हैं हाँ। जो आज कर, आज आज क्योंकि हम हाँ? ट्यूसडे को रिकॉर्ड कर रहे हैं आज ही ट्रेलर आया जी अब बात ये है कि इसमें आप जो कह रही थी कि यार क्या हो गया मिशन इंपॉसिबल भी तो ऐसी होती सारी मैंने ये नहीं कहा मैंने ये कहा कि देखें स्पाई फिल्म्स का बेसिक स्टोरी एक ही होती है दे, दे

सोलह घंटे क्यू करके और शाहरुख खान साहब से मिले किसी दिन आपको स्टोरी सुनाएंगे शायद मैं सुना भी चुका हूँ तो वो शाहरुख खान के बारे में बात करें हम जो है ना आप उस लेवल को पहुंचने के लिए शाहरुख खान की मोहब्बत का आपको भी कुछ साल लगेंगे तो जरा तसली के साथ और हौसले के साथ ये ना हो कि मैं अपनी डोज इंक्रीज कर दूं क्योंकि ये बड़ा एक पर्सनल मैटर है शाहरुख खान वाला तो इसमें ना इस बाकी चीज़ों में आपकी तनकीद और आपका क्रिटिसिज्म और सब कुछ सर आंखों पे लेकिन इस पे ज्यादा ओवर होने की जरूरत नहीं है और वो स्पेस को इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है कि शाहरुख खान थोड़ा तो ज्यादा सगा है जितना हमारा है ना उतना भी आपका नहीं है सगा मैंने कहा ये क्लैरिटी शाहरुख जो है जान का टूटा है।, है और बचपन से हमने शाहरुख की जितनी फिल्में हो देखी हैं आपके पैदा होने से पहले से हम उसको फॉलो करें तो ऐसे ना करें बात ये है आपने टॉम की बात की टॉम की टॉमी की जानू है वो भी अपना नो प्रॉब्लम पठान शुरू है अरब के बुर्ज खलीफा के शॉर्ट से

और हाउस में दीवार तोड़ के आता है जीप से हम ने, नेक्स्ट लेवल लेके जाएंगे मैं हेलीकॉप्टर वेयर हाउस में चलाएंगे ऐसे तो ना करें ना उसको बिलीवेबल तो रहने देना एक शॉट है वो ऊपर से वो मिसाइल मारता है और नीचे शीशा टूटता है अब वो शीशा टूटने का आप शॉट देख ले शॉर्ट ही वी एफ एक्सप

जेट का जो आपने वीएफएक्स है आप देख लें बहुत सारे सीन में अभी लगी हुई है अवतार अभी लगी है और मौला जेट के बहुत सारे सीक्वेंसेस हैं हमें पता है जहाँ पे घोड़ा असल में नहीं वो उस तरह से दौड़ा रहे पीछे जो है वो लगा हुआ है बट आप नहीं पकड़ पाते तो आजकल के दौर में वीएफएक्स का इतना लो लेवल यार वो भी शाहरुख के 5 साल बाद आ रहे हैं वापस नॉट ऑन

वो लग नहीं रहा की एक मुस्लिम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है आई कुड बी रॉन्ग इट कुड बी बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया और जो बचाने वाला है वो बड़ा ही विजिबली मुसलमान है अगर वो पठान विजिबली तो नहीं है, 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 है। ना पठान मत... है नाम उसका तो पठान विजिबली मुठान मतलब है कि एविडेंटली पठान मुसलमान ही हो होगा ना कि नहीं सिख भी होते हैं पठान होते हैं होते हैं वो कौन सा था अपना संगे माह में जो जोजान सिंह मर मर, नहीं, नहीं, नहीं। है नहीं है, जोन, जोन, और, जोन, जोन, जी, और जो हमारा पठान है प्लेट बाय शाहरुख खान ये लग रहा है की मुसलमान है और ऐसा फील हो रहा है कि ये पठान जो है वो हिंदुस्तान को बचाएगा तो ऑब्वियसली ये बहुत डबल एज सॉर्ड है और इसका वो जो आउट फिटर्स है ना मुझे पता नहीं है जो है आ, मैंने ना वो सिर्फ वो देखने के लिए कि ये मुसलमान ऑर्गेनाइजेशन है मैंने वो तीन बार वो पार्ट देखा उसमें वो कहते हैं यार ये कि इनका कोई मकसद नहीं है इस ऑर्गेनाइजेशन हाँ। का ये इनको कोई भी हायर कर सकता है अप, अपने अपने काम के लिए और उसका जो एक शॉट है उस शॉट में आप देखते हैं कि वहां पे गोरे ने भी बंदूक उठाई हुई है दूसरी एथनिसिटी के नेशनैलिटी के लोग हुए हैं लेकिन सीन एक आता है, 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 है मुसलमान मुझे, मुझे पब्लिक को सोचे कि मुसलमान टेररिस्ट है क्या है आई थिंक ये जो आउटफिट है ना ये किसी दरगाह को या किसी को टारगेट कर रहा होगा नहीं वो तो लग रहा है कि वो टेररिस्ट है वो हम स्क्रीनशॉट भी चला देंगे दो मुसलमान ऐसे मर्द हैं वहां पे जो कि लग रहा है उन्होंने वही जो अरब जिस तरह से ड्रेस अप होते हैं वो है पीछे अरबी लिखी हुई है और वो मिजाइल है वहां पे तो आई आई हैव अ कंसर्न देयर कंसर्न मुझे क्योंकि भी क्योंकि ये अब हाँ। 2023 है हां ठीक है और वी ये नहीं चलेगा ये अब इस हाँ। इतना मतलब इतना लिंग्विस्टिक किस्म का जो है अब वो वाला सीन नहीं है भाई ठीक है तो hmm. पहला मसला वहां पे hmm. दूसरा एज फार एज शाहरुख इज कंसर्न इज लुकिंग ग्रेट इसमें कोई शक की बात नहीं है शाहरुख के जो फाइट hmm. हैं जो सीक्वें मारी हैं hmm. स्टंट है जो भी hmm. है नहीं पता चल रहा शाहरुख ने खुद बहुत मेहनत की है लुक एट आई मीन इज नॉट जस्ट आई कैन डी Spy में जिस तरह की यार किसी ने किसी को बचाना होता है कोई मिशन होता है जिसके ऊपर जाना होता है जी बिल्कुल अब so, दीपिका जो है वो कहती है मैं भी एक ऑफिसर हूँ या फौजर हूँ वो पाकिस्तानी तो नहीं है क्योंकि जोया जो थी एक था टाइगर वो तो पाकिस्तानी थी पाकिस्तानी है और फिर इतनी रंग नहीं हो सकती दिल दया गी ठीक है प्यार हो जाता ना प्यार में हो जाता है लेकिन एटलीस्ट स्पेन की बीचेस पे तो नहीं बिकनी पहन के बिकनी पहन के तो नहीं तो ये है

हम इस कंसर्न की बात कर रहे हैं बट इंडिया में जिस तरह से मैंने जिक्र किया कि शाहरुख के पोस्टर को पसराव किया गया चलाया गया वो जो हार्ड लाइन ग्रुप्स हैं उनकी मुझे नहीं समझ में आ रही कि उनको क्या प्रॉब्लम है वो तो वो तो की वजह से लगा के रंग भी है मैंने बड़ी खूबसूरत क्लिप देखी है एक दिस यंग हिंदू बॉय उसने क्या खूबसूरत बोला यार आई एम सो हैप्पी कि यार वहां पे इंडिया में ऑन द स्ट्रीट जो जो लोग हैं जो इंडिया के लोग हैं वो बड़े यार उनमें बड़ा आ, और वो लड़का जो है वो ऐसा नहीं है कि वो बहुत अंग्रेजी में बात करे बड़ा उस तरह का है वेरी लाइक यू नो क्या कहना चाहिए सन ऑफ द सन ऑफ द और वो उसने, उसका एक्शन भी था थोड़ा सा जिस भी रीजन से था बड़ी विश मेरे पास वो लिंक होता है मैं आपके साथ शेयर करता उसमें पंद्रह बीस मिनट का एक क्लिप है जिसमें वो एक रिपोर्टर से बात कर रहा है अबाउट द राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म इन इंडिया हिंदू बॉय और रिपोर्टर उसको बार बार कह रहा है कि जी आप ब्राह्मण हैं आप यूं हैं तो आप यू hmm. आप कैसे कह रहे हैं ये बेशरम रंग है ये खिलाफ है hmm. उसने बहुत खूबसूरत जवाब दिया जवाब क्या दिया है क्या जवाब दिया वो बड़ी एक डिटेल पोलिटिकल एक बात है मैं क्या उसमें पूछूंगा इंडिया का इंटरनल उनका मामला है

बात यह है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कमिंग बैक टू द फिल्म इन ए नॉन पोलिटिकल वे आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वी, वी एफ एक्स इफेक्ट भी बहुत अच्छे नहीं है सीन टू सीन ऐसे लगता है जैसे इंस्पायर बुर्ज खलीफा पे तो चढ़ने वाला सीन भी है मिशन इम्पॉसिबल वाला वो भी है और मैंने मुर्सा के साथ बैठ के देखी Oh God! Oh This is this. This is this. This is this. But by the end of it, he was said, "I would watch this film." Of course, I'll watch it. That's the thing. It's not, if it's not propaganda, it's not Islamophobic. I would watch the film. If it's on Netflix, I'll watch I it mean, on Saturday. See, I, I can do absolutely through I'll the watch way. It, yeah. It's thrilling. It's you know, it's. I, I felt that the soundtrack was very good. Haan. But uh, you see, the thing is that I'm someone, and of course, you are as well. We're those people. जब Bhamne Bazigar dar... राम जाने अंजाम वो वाला शाहरुख देखा हुआ है तो मैं वो वाला शाहरुख यर्न करता रहता हूँ क्रेव करता रहता हूँ कि यार वो वाला शाहरुख हमें देखने को मिले अब जो हम शाहरुख देखते हैं नो no डाउट बहुत ज्यादा मेहनत है शाहरुख की और यू नो इंटेंस 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 काम किया है इस फिल्म के ऊपर बट वो जो एक परफॉर्मेटिव एक शाहरुख था ना यार ठीक है सिक्स पैक्स नहीं थे बट आप यार अंजाम में शाहरुख खान की एक्टिंग बाजी दर देखे है है ये फिल्में आर नॉट बेस्ड परफॉर्मेंस और एक्टिंग हाँ, है, तो and... मेरा है आज नहीं, ये तो है। फिर किसी भी स्पाई मूवी को छोड़ दें आप बावल यूनिवर्स चले ना

आपका रिलेशनशिप और शाहरुख से मेरा जी आप तो अभी अभी हमें खबर मिली है ब्रेकिंग न्यूज कान में हमारे उस क्या कहते हैं उसको एडीआर से हमें पता चला एडीआर जो भी हमारा रूम है उससे हेडक्वार्टर से पता चला कि बेबी का ट्रेलर रिलीज हो चुका है so, क्योंकि बेबी का ट्रेलर रिलीज हो चुका है हमें आप वो दें अभी इधर मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो चलाएं या फ्यू मोमेंट्स लेटर वाला वो जो होता है तो हाँ। so, मैं हम मैं और आपने जल्दी से ट्रेलर देखते हैं ट्रेलर आके जल्दी से आपको बेबी लिश के ट्रेलर के बारे में अपडेट करते हैं A few moments later. जी जी। लगा आप, हाँ हाँ है, है हाँ। आप बताए एक तो ये मैंने बड़ा बड़ा लिखा हुआ बार बार टीजर में भी ट्रू लव स्टोरी क्या वजह हो सकती है ट्रू लव स्टोरी नहीं तो ये तो वो बता चुके हैं की थोड़ा सा इसका प्रोड्यूसर का और यू नो ठीक है

एंड डब्ल्यू जका वो कौन है डब्ल्यू जका ओह एक डब्ल्यू जका को मैं जानता हूँ मैं भी जानती हूँ <laughs> तो अब ये वही वाले डब्ल्यू जका है या नहीं, है? नहीं हम इन्वेस्टिगेट in करेंगे बट इट वुड बी अ कॉइन कॉइंस क्वाइट कोइंसिडेंस कि हम एक और जिंदगी में दो दूसरे डब्ल्यू जका को हम जाने जी तो ये इंटरेस्टिंग बात मुझे लगी आ, और फिल्म की कास्ट में ऑब्वियसली शामिल हैं शाहरुख सबज़वारी सारा यूसुफ अंकुर राठी

बिल्कुल आप लाइट हार्ट लेके जाए सिनेमा पॉपकॉर्न खरीदे बैठ के देखें और एक यंग क्यूट से लव कपल की लव स्टोरी छोटे आ रही है जी। ट्रेलर आपको यही अंदाजा होता है कि प्यारी सी, एक रोमांटिक सी स्वीट सी लव स्टोरी है हालांकि लड़की एक जगह पे कहती है जी मेरी बात पक्की होगी लेकिन फिर आपने देखा है के दोनों के बड़े अच्छे रोमांटिक सीन्स है जिसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं, नहीं हो रही हाँ, इससे हाँ। पहले कि हम बोलेंगे वो, वो शहीर की शहीद वैसा नहीं था बट हाँ एक जगह वो लड़की कहती है मैं मेरी बात पक्की, हो पक्की हो गई है, हो है। हाँ वो बाद के थे या पहले के थे क्या था तो इतनी इंट्री बट मैं उससे इंट्री बिल्ड हो गया लेकिन जो लीड कपल है उनकी केमिस्ट्री है ऐसा नहीं लग रहा कि जबरदस्ती के इनको डाला हुआ हाँ. है दोनों को दे लुक ग्रेट टुगेदर द सीन्स आर रियली कन्विंसिंग एंड देयर इज अ लॉट ऑफ रियल रोमांस टाइप इन द फिल्म टाइप के देयर इज अ लॉट ऑफ रोमांस इन द फिल्म अच्छा लग रहा है मैंने वो गाना सुना मन रांझा मन रांझा मन रांझा मुझे वो गाना बहुत पसंद है हाँ. और मैंने वो सारा का एक क्लिप भी शेरोज का आई थिंक शेरोज कह रहे थे कि वो सायरा ने वो

इसकी जो प्रोडक्शन क्वालिटी है स्केल है वो अच्छा लग रहा अच्छा है अच्छा ऐसा है। जैसे हम देखते हैं कभी कभी हमारी फिल्मों की जो प्रोडक्शन क्वालिटी है वो लो होती है बट वो देखने में मेरे ख्याल है मल्टीपल पे भी शूट हुआ है इन पाकिस्तान बहरीन हाँ। और शायद एक दू का और भी बट इट लुक्स ग्रेट हाँ uh, जो स्क्रीन की मुझे बड़ी आपको पता है मैं तो इस बात से फैसला करता हूँ कि जब आप कोई फिल्म का ट्रेलर देखें तो उसकी पिक्चर क्वालिटी किस तरह की है प्रोडक्शन क्वालिटी कैसी है वो बहुत अच्छी लग रही है सो जैसे हम पठान के बारे में कह रहे थे

ये हाँ ये अब देख के पता चलेगा लेट सी बट ये होनी शुड बी फिल्म इट इज द ऑफ फिल्म बिलोंग्स ऑन फॉर रिलीजेस ऑन नेटफ्लिक्स टाइप फिल्मेज आ रहे हैं नो इंटरवल फिल्म देखी इन लव हैप्पी ऑन पॉपकॉर्न पॉपकॉर्न इस बात को मेरे ख्याल में एक्नॉलेज करना और अप्रिशिएट करना जरूरी है कि हमारे यहाँ जो फिल्में बन रही हैं अब डिफरेंट जॉनराज ट्राई किए जा रहे हैं डिफरेंट जॉनराज बन रहे हैं उसमें इस जोनरा में मेरे ख्याल में जो हमने टिपिकली जो फिल्में देखते हैं जैसे लंदन uh, नहीं जाऊंगा पंजाब नहीं जाऊंगी या इवन सोशली रेलेवेंट ज़्यादा नहीं जो आपकी कराची से लाहौर की सीरीज थी हाँ। वो यही था बेसिकली ये थोड़ी सी उनसे मुख्तलिफ है मुझे हाँ। इन द सेंस कि ये थोड़ी सी ज्यादा ये थोड़ी सी हिप ज्यादा हिप इज़ ज़्यादा कूल लग रही है ज़्यादा कूल कूल लग लग रही cool लग लग है इज़ गुड हाँ. हर तरह का सिनेमा बनना चाहिए हम हमेशा ये बात करते हैं कि हर तरह के सिनेमा को रूम मिलना चाहिए इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि अब किसी को कोई प्रॉब्लम हो स्वीट सी लव स्टोरी वो अच्छी बात है मैं जरूर डोंट एक्सपेक्ट एवरी Exactly. Which are two polar opposites. Exactly. Exactly. there are so 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 much in between. Exactly. So, so, yeah, encouraging okay. I wish के जो आ, आ, दो फिल्में बने और बस वही देखें hmm. और वही देख के घर आए hmm. या बीच में कोई टाइप hmm. आ जाए पूरे साल में यारे तो एक फिल्म बन जाए

तो अब आपने आपने करना है. The mm. is on you now. <laughs> मतलब इस इस लेवल तक आपने हमें और कर कि mm. हम ये देखना चाहते mm. हैं. Sure, आप लोगों ने अगर ट्रेलर देखा है तो प्लीज बताएं आपको कैसा लगा आप लोग देखना चाहेंगे नहीं देखना चाहेंगे आपको ओवरऑल फिल्म की जो फील है जो हमें और mm. बात करें जो हिप वाइब है आप उससे कनेक्ट करें नहीं कनेक्ट वांट टू स्किप व्हाटएवर यू आर फीलिंग शेयर इट विद अस थैंक यू आमना आपने हमें ज्वाइन किया बहुत शुक्रिया आपका बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया आज हमें लगा था हमारे कोई बात नहीं करने की जब हॉट बाइट्स हमने शुरू किया लेकिन मेरे ख्याल में दिस इज वन ऑफ द लॉन्गर हॉट बाइट्स दैट वी का थैंक यू वेरी मच आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह फ्राइडे को तब तक के लिए खुदा हाफिज़